We want a peaceful neighborhood. Cooperation rather than conflict should be its hallmark. I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I have been directing various activities in Baluchistan and Karachi at the behest of law and deteriorating law and order situation in Karachi. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, anti-terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baluch liberation movement. Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Alina Shigri. Nazreen, Wazir Azam Nawaz Sharif sahab ke 10 April 2017 ko aapne wo speech ke unko unke unki speech suni jo ke PF ke passing out parade mein unhone ye remarks diye ki cooperation rather than conflict, shared prosperity instead of suspicion are the hallmarks of our policy. Do policy Pakistan Muslim Nawaz ne adopt ki hui hai pichle almost 4 years se wo hame kis had tak soodmand sabit hoti hui nazar aa rahi hai is hafte ki hi aur usi same day pe humne dekha Bharti Khufiya Agency RAW ke liye kaam karne wale Bharti Beria ke hazir service commander Kulbhushan Yadav urf Hussain Mubarak Patel ko 3 March 2016 ko aapko yaad hoga Balochistan ke ilake Mashkil se jasusi aur Pakistan ke khilaf takreebkari ke ki sargarmiyon mein mulawis hone par giraftar kiya gaya tha aur 10 April ko sazae maut jo hai wo di gayi jiske Pakistan Army Act ke तहत Kulbhushan Yadav ka field general court martial hua aur karwai ke dauran is par lagaye gaye tamam ilzamat दुरुस्त साबित हुए जिस पर सजाए मौत दी गई और उसकी तौसीक भी जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने की है. साथ साथ कहा गया है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आए हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस हवाले से और कोई समझौता कुलभूषण यादव पर नहीं किया जाएगा. राजनाथ सिंह ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर हम देखते हैं इंडिया का एक शार्प रिएक्शन सामने आया है और उसी दिन से हम सामने देख रहे हैं जब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इन न्यू दिल्ली अब्दुल बासित साहब को डिमार्श जो है वो इशू किया गया था और उसमें स्ट्रांगली कहा गया था कि अगर ये एग्जीक्यूशन कैरी आउट की गई तो इसको प्री मेडिटेटेड मर्डर कंसिडर किया जाएगा और राजनाथ सिंह कहते हैं कि विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर कुलभूषण यादव. अब पाकिस्तानी अवाम भी इस हवाले से परेशान इसलिए है कि एक रिटेलिएशन और चूंकि हमारे पास वाज़े सबूत पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियन इंटरफेरेंस के ये चीज़ जनरल आसिम बाजवा ने लास्ट ईयर ही एक उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुलभूषण यादव का अरेस्ट और उसके फिर एडमिशन जो उसने एडमिट किया कि वो किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक्टिविटीज़ में मुलविस था उससे ज़्यादा कोई वाज़े सबूत हो ही नहीं सकते. उस हवाले से आज हम जरूर बात करेंगे क्योंकि इंडियन रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सामने नजर आ रहा है. आज स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब को जो कि सीनियर दिफाई तजियाकार है. सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. उनके साथ तशरीफ रखते हैं आयतुल्ला दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दुरानी साहब. और खान गुल मंदूखेल साहब जो कि साबिक DIG सिक्योरिटी एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन करें सेनेटर चौधरी तनवीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज. सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. जी वालेकुम सलाम जी. सेनेटर साहब मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ. इस हफ्ते की जो हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी जो सामने देखी वो उसके हफ्ते के आगाज में ही कुलभूषण यादव को जो सजाए मौत दी गई जिस पर भारत की जानिब से बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नजर आ रहा है, प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है. इंडियन कमीशन जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड है उसको भी ताकीद कर दी गई है और उनको ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि तमाम लीगल ऑप्शंस को बरोएकार लाया जाए और कुलभूषण यादव को भारत अब जो है वो भारत का बेटा कह रहा है. एटलीस्ट क्या कहेंगे सर, एटलीस्ट भारत क्लेम तो कर रहा है कि कुलभूषण यादव जो है वो उनका बेटा है जिसने एडमिट किया कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक्टिविटीज में मुलविस था. बहुत शुक्रिया जी. इसमें 100% हम इत्तेफाक करते हैं जो भारत ने जो अपना स्टांस रखा है कि वाकई ये उनका बेटा है.
इसमें कोई शक नहीं कि वो उनका एक मौजूदा हजरत सरवर से एक ऑफिसर है जिसको वो ऑन कर रहे हैं। हम भी इससे इत्तेफाक करते हैं। जहां तक उसके एतराफी बयान का ताल्लुक है, उनका जो काम है उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, उनका बेटा है, हम तस्लीम करते हैं ये उन्हीं का बेटा है। लेकिन कुछ हमारी अपनी जो जिम्मेदारी थी कि ये एक हमारा एक गवर्नमेंट मुल्क है और इस मुल्क के अंदर एक होता है कि जासूसी करना और एक होता है दहशतगर्दी करना। इस शख्स पे दोनों इल्जाम थे। कुलभूषण यादव जो है ये सिर्फ जासूस नहीं, ये दहशतगर्द भी था। और हमारे मुल्क जो कानून है, हमने जो इसने फौजदारी की जो दफात होती है इस कानूनी फौजदारी के तहत हमने इसको ट्रायल किया, ट्रायल करके जो हमारा कानून हमें इजाजत देता था उसके मुताबिक हमने एक दहशतगर्द को जो सजा मिलनी चाहिए थी, पाकिस्तान ने एक सवरन मुल्क है उसने अपना एक किरदार अदा किया। हमने इसको पूरा मौका दिया, पूरी दुनिया ने देखा कि जो इसने इतराफी बयान किया, जो इस शख्स ने बलूचिस्तान में नौजवानों को मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों पे जो खाने में जो इसने एक रोल प्ले किया, हमारी जो पाइपलाइन जो गैस की उड़ाने का जो कन्फेस किया, इसी तरह जो भी जितने भी इसने इसके ऊपर इल्जाम लगे ये सारे खुद ब खुद इसने तस्लीम किए। बट सेनेटर साहब कहता कलामी की माफी, लेकिन मैंने मेंशन किया था कि जनरल आसिम बाजवा ने पिछले साल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुलभूषण के अरेस्ट के बाद, जो वीडियो कन्फेशन जो है वो दिखाया गया था, पूरी आवाम को पब्लिक किया गया था, और जनरल आसिम बाजवा ने उस वक्त कहा था कि देर कैन बी नो क्लियरर एविडेंस ऑफ इंडियन इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान। ये सर गुज़िश्ता साल के मैं आगाज का ही टाइम बता रही हूँ, मार्च के बाद का ही मैं टाइम बता रही हूँ, दिसंबर 2016 को में सरताज अजीज साहब ने सेनेट की कमिटी की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था द प्रोवाइडेड मटेरियल इन आर व्यू वॉज इनसफिशेंट, जो कि डोजियर से के हवाले से जो माजरत खाना बयान जो है उनका सामने आया था कि जी इनसफिशेंट हमारे पास एविडेंस है। सर इनसफिशेंट एविडेंस, ऑन दी अदर हैंड जनरल बाजवा कह रहे थे कि जी हमारे पास तो इससे ज्यादा वाजे सबूत हो ही नहीं सकता। नहीं ना, सरताज अजीज साहब ने माजरत खाना रवैया अपनाया, आप लोग गवाह हैं, सारी दुनिया गवाह है कि जब मियां नवाज की हुकूमत आई तो इस मुल्क के अंदर दर्जनों के हिसाब से धमाके हुआ करते थे। इस मुल्क के अंदर कोई भी टेररिज्म के खिलाफ कोई भी शख्स खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। ये मैं जरूर क्रेडिट देता हूँ कि ये मौजूदा गवर्नमेंट को और हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये 100% क्रेडिट जाता है कि पहली दफा हुआ कि इस मुल्क के अंदर के हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो इदारे हैं वो और मौजूदा हुकूमत की एक ही सिमत थी कि जीरो टॉलरेंस था दहशतगर्दी के मामले में। कि हमने पहली दफा जब भी हुकूमत आई तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे हमारे सामने इस मौजूदा हुकूमत को कि ये दीमक की तरह चाट रहा था ये जो दहशतगर्द, चाहे वो इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द बट सर जो हमारी वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग पॉलिसी है वो कितनी सूदमंद साबित हो रही है। मैं जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ आऊंगी। जनरल साहब, कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाना और साथ साथ उजैर बलोच की कस्टडी ले लेना पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, सर कैसे देख रहे हैं? और ये जो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो सामने आ रहा है, सेकेंडली मैंने जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच बयान की थी सर, जो कॉपरेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इंस्टेड ऑफ सस्पिशन का जो बार बार कहा जा रहा है कि ये हमारी पॉलिसी के हॉलमार्क्स हैं, कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए पॉलिसी जो है ये कोई रियलिटी या ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बेस्ड नज़र नहीं आती। आपकी सॉफ्ट पैडलिंग इंडिया के बारे में वो यूं लगता है कि जैसे आप इस दुनिया में नहीं बस रहे, इंडिया कुछ कह रहा है कुछ कर रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो दोस्ती की बात होती है या अच्छे ताल्लुकात की बात होती है ये दो तरफा अमल है। ये आप सुबह से लेकर रात और रात के बाद 365 दिन अगर ये बोलते रहें और दूसरी साइड की अगर ये ख्वाहिश नहीं है तो आप अपने आप में कुछ शर्मसार होंगे, दूसरी साइड आपसे नहीं ख्वाहिश रखती तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ ये है कि इंडिया दोस्ती वाली बात कोई नहीं करता, आप राग अलाप रहे हैं, सो ये एक आउट ऑफ प्लेस चीज़ नज़र आती है। अब बात आ जाती है कि उजैर बलोच की आपने बात की, उजैर बलोच जो है वो उस पर दो तरह के मुकदमा आते हैं, एक तो कत्ल गारत बत्थाखोरी तावान ये चीज़ें तो हैं, ये सिविल इंफॉर्मेशन, ये सिविल ऑफेंस हैं जो मैंने पहले जिक्र किया।
چنانچہ ان کے ٹرائل وغیرہ بھی اس کے سول کورٹس وغیرہ میں ہوں گے جی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا آفینس جہاں اس نے اسپینیج ایکٹیویٹی میں کیا ہے حصہ لیا جی. یا انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کی ہے فورن انٹیلیجنس ایجنسی کو, یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت آتی ہیں. چنانچہ اس کا ٹرائل بہر صورت یہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں ہی ہونا تھا, سو وہاں ہوگا اس کی ابھی انویسٹیگیشن انکوائری. لیکن شواہد اس کے بھی اکٹھے کیے جا چکے تھے پہلے جب کلبھوشن پکڑا گیا تو بہت سارے لنکیجز چیزیں سامنے آئیں جی. اس میں وہ لنکیجز بھی سامنے آئیں جہاں جس کی بنیاد پہ آپ نے یہاں سے امبیسی میں سے انڈین لوگوں کو کافی ساروں کو نکالا تھا کہ وہ اس کو ہیلپ کر رہے تھے کلبھوشن کو. تو ایک نیٹ ورک بہت بڑا پکڑا گیا, اس میں یہ بھی ایک چھوٹا سا مہرہ تھا لیکن بہت بڑے اور مہرے بھی موجود تھے. یہاں تک کہ کلات کا ایک آدمی, دو بھائی, ایک کو یہاں پہ امبیسی میں جاب دیا رکھا اور پھر اس کو دہلی میں بھجوا دیا. چونکہ کلات کا ہندو تھا وہ, تو اس کو وہاں, اور وہ نیٹ ورک کا بندہ تھا بیسک, اس کا جو آپ کہہ لیجئے کہ پیوٹ یہاں پہ کلبھوشن کے لیے کام کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک جب یہ پکڑا گیا نیٹ ورک, تو اللہ کی مہربانی سے بہت سارے ایسے لوگ ہاتھ آئے ہیں جو جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, جن کا تعلق لیاری گینگ سے ہے, جن کا تعلق بی ایل اے اور بی ایس او سے ہے جی. بعض ایرانین بلوچستان کے بھی لوگ ہیں جو اس میں شامل تھے. سو یہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں اور مقدمات کو چلانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی آہستہ آہستہ اور لوگوں کے بھی چلیں گے. سر ٹھیک ہے, دورانی صاحب, یہ جو لوگوں کا ایک ویو سامنے آ رہا ہے کہ کلبھوشن کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کوئی ایک تو فائنل ڈیٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, اور نہ ہی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کہ وہ ایک فائنل ڈیسیشن ہوگا کہ نہیں, اس پر بہت ساری کیس آئی ہیں اور پہلے سے ابھی شروع ہو چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ کا. ابھی تک تو ایک عدالت نے دیا اس کو, اس عدالت کے فیصلے کے مطابق فوجی عدالت نے, یہ پروسیس جا کر کے صدر پاکستان کی عدالت تک پہنچے گا. جب صدر پاکستان تک پہنچے گا تو اس وقت پاکستان کا صدر کیا فیصلہ دے گا, وہ کن حالات میں ہوگا, اس وقت صدر پاکستان کی کتنی کیپیسٹی ہوگی, اس کو ڈائجسٹ کیسے کرے گا, اور وہ دیکھنا وہ ہے پولیٹکس. یہاں سے میکسیمم پولیٹکس نیچے سے جو کچھ بھی آپ پروسیس کر رہے ہیں, یہ پروسیس ان شواہد کی بنیاد پر ہیں کہ جو اس وقت اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے اویلیبل ہو چکا ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل تھے. اب فیصلہ کنندہ تو صدر پاکستان ہے, ممنون حسین ہے, وہ اس پر کیا فیصلہ کریں گے. اور اس وقت آرمی چیف اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے اس وقت کیا فیصلہ کریں گے, اس کے سیاسی مضمرات پہ, اس کے فوجی مضمرات پہ, ان کے اندرون خانہ حالات پہ, اس پالیٹکس پہ, اس وقت کے وہ کس کس فون کو کس انداز میں دیکھیں گے, یا اس وقت وہ ہمارے سفارتی تعلقات دنیا کے ساتھ جو اچھے اور برے ہوں گے, یہ بہت ایک لمبے پروسیس کا نام ہے. ٹھیک ہے کہ ایویڈنس کی بنیاد پر ایک سزا ہو گئی, اور عدالت نے, فوجی عدالت نے سال ڈیڑھ سال کے اسپیڈی ورک کے بعد اس نے اپنا ایک رزلٹ آخر کار دے تو دیا, جو کہ ہماری باقی عدالتیں ایسے جلدی میں نہیں دے سکتی, باقی سپریم کورٹس وغیرہ نہیں دے سکتے, تو انہوں نے دے دیا. ان کا بھی شکریہ, اور بھوشن کا, کلبھوشن کا بھی شکریہ کہ اس نے تمام چیزیں جلدی میں بتا دی, اور تاکہ ہمیں بھی اتنا زیادہ لمبا پیریڈ میں اسے نہیں ڈالا, اس نے بھی فٹافٹ بول دیا کہ ہاں بھائی یہ مجھ سے ہو چکا ہے, تو اچھا ہوا, دونوں طرف کو کا شکریہ. اب اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ جا کر کے صدر پاکستان کے ٹیبل پہ ہے, اس لیے مجھے اور آپ کو آج اتنا کہنا ہے کہ جس عدالت کو جو کام سونپا گیا تھا اس نے اپنا اسپیڈ ورک کر دیا. سر بٹ آپ کو حیرت ہوئی عزیر جان بلوچ نے جو انکشافات مجسٹریٹ کے روبرو کیے ہیں پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کے لیے, کئی غیر قانونی کام کا اعتراف کیا ہے, اور میرے پاس پوری وہ لسٹ موجود ہے جن میں وہ کہتے ہیں کہ جی سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملاقات کی تھی, جس کو بڑے پیپلز پارٹی کے رہنما ڈینائی بھی کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس ملاقات کی جس پر, جس کے بعد جو ہے ان کے فریال تالپور نے ان کو کہا کہ اپنا مطلب سب وہ کرو, ایز ان کے ان کے اوپر جو ان کے سر کے اوپر جو قیمت لگی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں بات کی, جس کے بعد فریاد تالپور اور آصف زرداری کے کہنے پر مقدمات اور سر کی قیمت ختم کی گئی, جبکہ میرے کہنے پر شاہجہاں بلوچ, جاوید ناگوری, عبداللہ بلوچ اور ثانیہ ناس کو پارٹی ٹکٹ دیا گیا. بڑی چیزیں ہیں سر, وہ کہتے ہیں 30 سے 40 بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کرائے بلاول ہاؤس کے گرد و نواح کے ایریاز میں,
और जिनकी वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मालकान को रकम की अदायगी की उन घरों की, क्या कहेंगे सर, हैरत होती है? कोई हैरत नहीं है। मेरे साथ एक पुलिस ऑफिसर है, DIG, बड़े मोतबर, ख़ानदान से भी ताल्लुक है, ज़िम्मेदार भी है। मेरे राइट साइड पर भी एक ज़िम्मेदार शख्सियत बैठे, लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के नामी ग्रामी, साफ़ सुथरे इंसान। इन दोनों के बीच में, इन अल्फाज में से जो 40 घर हैं, इनमें से एक घर भी ऐसा नहीं था जो किसी कोर्ट के अदालत के दरवाजे पर जाके बता देता, जबकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एक आंख से सिर्फ हमें ही देखता था, पीपल्स पार्टी को। किसी एक वकील ने भी नहीं बोला, एक को 40 घरों में से कोई एक बच्चा, एक बंदा ऐसा नहीं था कि जो उठ करके जा करके सुप्रीम कोर्ट कहता जी मैं अपने घर को बेचूंगा नहीं। जब अगर उसको रुपया मिल रहा था तो उसने दे दिया, एक। दूसरी बात, आपने इसमें कह दिया कि उसने कह दिया सर की कीमत, पुलिस ऑफिसर बैठे हैं इधर, सर की कीमत तो हुकूमत सिंध ने लगाया था, जबकि सिंध में ही हुकूमत में वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने इसके सर की कीमत भी लगाई, और सर की कीमत पीपल्स पार्टी लगाए, और फिर इसके बाद देखो मुलाकातें, आपका भी रब्ता है शोएब, अभी आप लाइन पर डायरेक्ट, अगर वो फारग होता तो इस वक्त आप लाइन पर डायरेक्ट उसके साथ जाके इंटरव्यू भी कर रहे होते, आप लोग भी जाकर के फौरन मिल चुके होते हैं। उस वक्त के सारे जर्नल्स, पुलिस ऑफिसर्स, वो नारकोटिक्स के बड़े छोटे 26 इंटेलिजेंस के अदारे, वो भी तो जिंदा हयात 5 साल हुकूमत कर रहे थे, क्या उनको भी कठेरे में लाया जाएगा? कि जनाब आप ड्यूटी पर थे, आप आज़ाद थे, आप फेडरल गवर्नमेंट के थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब के आप अंडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब ने आपने उसको बता तो दिया होगा कि ये कब्जा ग्रुप, इसका नाम है उजैर बलोच, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक छोटा सा, और आपने IG और DIG को भी बता दिया होगा, IB को भी बता दिया होगा, तमाम इंटेलिजेंस अदारों ने रिपोर्टिंग की होगी। उन दोनों के बीच में जब लाशारी और रिंद के, उसके उजैर के अब्बा को कत्ल किया गया था, उस वक्त तो रिंद और लाशार की आपस के ख़ानदानी लड़ाई था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, उसका जरिए माश बदता, सुनिए ठीक है, इसलिए आपने उसको बदमाश कहा, उसका जरिए माश की लड़ाई थी ना, उस दोनों के लाशार के, वो पप्पू और उजैर के बीच में जो जरिए माश का एक जंग था, उससे पहले तो उजैर था ही नहीं। उसके अब्बा को जब कत्ल किया गया, उसके क्योंकि मेरे पास ये केसेस एज ए कबायली के डिस्कशन में आते हैं और आ चुके हैं, और हमने कहा है अच्छा। उस वक्त ये बातें आती थी कि इनके बीच में जो खाना जंगी हो रही है, कबायली लड़ाई हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, वो कबायलियत के बजाय, वो कबायलियत की जगह कबायलियत के बजाय गुरु आ गए, गुरु के बाद एक तरफ आर्मी आ गया, एक तरफ पॉलिटिशियन आ गया, एक तरफ जो है ना पॉलिटिकल वर्कर, वो पुलिस आ गया, एक तरफ समाज के लोग जो कारोबारी थे वो आ गए। अच्छा, अब इन सबको लेके आ जाओ, सबको लेके आ जाओ, उस जमाने के जितने भी रिस्पॉन्सिबल अच्छा। थे सबको लेके आ जाओ, गुफ्तगू शाहाना होगी, हम इसके सजा पर इंतजार दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद हम खेल साहब, मैं पूछना चाहती थी कुलभूषण के हवाले से, जो तमाम उसकी इंफॉर्मेशन सामने आई थी कि जी 14 साल ऑफ सर्विस, ये एलिजिबली एंटर्ड इनटू इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन 2003, पे कहा गया कि अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया था चाबहार में, ईरान में, और फ्रॉम चाबहार ही मेड सेवरल अनडिटेक्टेड विजिट्स टू पाकिस्तान वेयर हिज एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू कराची एंड बलूचिस्तान। सर, अनडिटेक्टेड विजिट्स टू पाकिस्तान अभी पकड़ा गया 2016 में, उससे पहले बड़े सारे विजिट्स किए होंगे, तो हमारी भी कहीं ना कहीं कोताहियां थी। अलीना देखें, सबसे पहले तो ये आप देखें कि इंटेलिजेंस या एस्पियनाज में सबसे बड़ी चीज होती है अपनी हुनरमंदी। अली कोहन 1961 में हाफिज अल असद के पास मोसाद ने भेजा, एक अरब था, उसको भेजा, वो उधर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके पासपोर्ट्स वगैरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के, उसके पास बिजनेस उसका फ्रांस में, पेरिस में, लंदन में, नथिंग डूइंग विद इजराइल, तेल अवीव और एनी अदर प्लेस, उसको उधर भेजते हैं, और वो जाके उधर इतना करीब हो जाता है हाफिज अल असद के, 1967 की वॉर से पहले हाफिज अल असद उसको सारी जो गन्स जहां पे इंस्टॉल थी फेसिंग इजराइल, उनको जो फेस कर रहा था इजराइल को हिट करने के लिए, अली कोहन को डिफेंस मिनिस्टर बनाने लगा था। अली कोहन ने रिफ्यूज किया कि नो सर, आई डोंट वांट दिस पोस्ट, लाइमलाइट में आ जाता। तो इंटेलिजेंस का जहां तक ताल्लुक है,
گلبشن وغیرہ کا یہ سارا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ہر جگہ دنیا میں, یہ موساد سی آئی اے وغیرہ اپنے لوگوں کو اسٹیبلش کر کے کسی کو اسٹڈ فارمز لے کے دیتی ہے, کسی کو ہوٹلنگ بزنس میں لے آتی ہے, کسی کو گولف کورسز لے کے دے دیتی ہے, مختلف حربے ہیں وہ سارے ہوتے رہتے ہیں. میں بیسیکلی مطلب اس سائڈ پہ اس لیے نہیں آؤں گا زیادہ کہ مجھے, میں درانی صاحب کو جواب دینا چاہتا تھا, یہ جو عزیر بلوچ اور یہ جو سلسلہ ہے اس کا, مطلب اس فیکٹر پہ آنا چاہتا تھا. وہ یہ ہے کہ درانی صاحب ایک بہت ریسپیکٹیبل آدمی ہے, ون آف دا فیو ریسپیکٹیبلز ان پی پی پی, جہاں تک میرے اپنے ذاتی رائے, کسی اور کی نہیں ہے, ویری مطلب ویری ریسپیکٹیبل پیپل, ویری فیو آف دیم, بٹ ڈیفینیٹلی از ان دیٹ کلب. میرا عزیر بلوچ کہتا ہے کہ 30 بنگلے خالی کرائے, میرا ذاتی پلاٹ 8,000 گز کا کمرشل, یہ بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ آصف زرداری کی ہے, وہی پلاٹ امنیٹی پلاٹ اس کے ساتھ میرا ہے, 95 میں زرداری صاحب نے اونے پونے میرے باپ سے لینے کی کوشش کی, میرے باپ نے کہا جو مرضی کر لے نہیں دوں گا, اس نے کینسل کرا دیا کے ایم سی سے, کراچی میونسپل اتھارٹی سے, 6 ارب روپے کا آج پلاٹ ہے. یہ زرداری کا ساتھ والا جو پلاٹ تھا وہ بھی امنیٹی تھا, اس کو اس نے کھڑا کر دیا 12 سٹوری, میرے والا میں نے نہیں بیچا, میرے باپ نے 1995 سے ہائی کورٹ سندھ میں میرا کیس لگا ہوا ہے, نہیں بیچا اس کے اوپر. جنرل رائل کو 2 رجسٹرڈ لیٹرز میرے پاس ثبوت ہے, وہ بھیجے ہیں, نواز شریف کو بھیجا ہے, کیا نام ہے یہ جو میرے منسٹر تھے ان کے ذریعے, شیخ آفتاب کے ذریعے, میرے پاس ساری کاپیز پڑی ہوئی ہیں. کوئی سیکرٹری یہ نہیں کرتا کہ نواز شریف کو اس کا جواب دے کہ بھائی کیا ہوا ہے اس کا, پچھلے 5 سال سے میں لیٹرز لکھ رہا ہوں, ڈزنٹ نو آل دا فیکٹس. ان کا جہاں تک رول ہے ہی پلیز اٹ ویری ویل, he is not to be blamed at all, but Durrani sahab lekin defend kiya us tarah se, defend he has to defend them because he is a part and parcel of their party, but he is not privy to those things. He is not, jo kale kartoot hain, wo kale kartoot hain, wo unka ye to mera zati mere khandan ka, main aaj aapko on record bol raha hu tv channel pe, 6 arab rupaye is waqt malkiyat hai میرے اور زرداری کے پلاٹ میں, کوئی فرق نہیں تھا, اس نے اپنا بنا کے 12 سٹوری بیچ دی ہے اور میرا والا قبضہ کر لی ہے. 95 سے سندھ ہائی کورٹ کیا کر رہا ہے, 95 سے سندھ ہائی کورٹ کیا کر رہا ہے, کیوں فیصلہ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. بندو خیل صاحب کی بات کو ری انفورس کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ میرے بھی ایک عزیز کا پلاٹ وہاں پہ, اس کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذریعے اس کا نقشہ نہیں پاس ہوتا, وہ زرداری صاحب کے پلاٹ کے بالکل ساتھ ہے, وہ بھی میرا بھی بالکل سی فرنٹ پہ ہے, 3-4 ارب روپے کا پلاٹ ہے, اور وہ بلڈنگ کنٹرول والے کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی تو مر جائے گا اسی طرح, نقشہ پاس نہیں ہونا ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ قیمت اور یہ زرداری صاحب کو دے دو, اس نے ہمیں بتایا ہوا کہ نقشہ نہیں. سر اب یہ جو میرے والد صاحب 20 سال یہ کیس لڑتے ہوئے فوت ہو گئے, اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں پولیس سے, اب مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا, میری تیسری نسل ہوگی, جب تک زرداری زندہ ہے یہ پلاٹ زرداری کی نظر اس پہ لگی ہوئی تھی, کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنائے گا. اگر اس ملک میں جسٹس ہے تو مجھے جسٹس چاہیے, اگر نہیں ہے تو وجلانٹے جسٹس کی طرف مجھے مجبور مت کریں. رائٹ, میں سینیٹر تنویر صاحب کی طرف آؤں گی یہ بات کو لے کے. سینیٹر تنویر صاحب, عزیر بلوچ کے جو اعترافی بیان ہیں, جو انکشافات ہیں, اس پر آگے کیا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے سر, جس میں کلیئر سامنے کنیکشنز اپنے لنکس کو وہ بتاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے, جو نواز شریف صاحب کی پالیسی کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ٹرسٹ بلڈنگ اور کوآپریشن اور سر شیئرڈ پراسپیرٹی کی جو باتیں ہیں, وہ ہمیں 4 سال میں کتنا ایڈوانٹیج دے سکی, کتنا بینیفٹ دیا ہمیں؟ اصل میں یہاں پہ تو جو ہم چیزیں ڈسکس کرنے والے تھے جی, کہ جو اس ملک کے اندر ٹیررزم جو لوگ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم پلاٹوں کو لے کے بیٹھ گئے, ادھر کے پلاٹ کس کا ہے اور کس کا قبضہ ہے. یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں گلبشن سے شروع ہوئی اور یہ عزیر بلوچ پہ آ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو حالات, یہ کسی بھی پارٹی کے لیے اگر تو سیاسی تعلقات ہیں وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, جو سب سے جو خطرناک چیز ہے جو عزیر بلوچ نے جو راہ کے ساتھ کنیکشن آ رہا ہے, رائٹ سر, چارجز آف اسپیناج, بالکل کوئی چیز ایسی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی قابل معافی بھی ہو سکتی ہے کوئی, لیکن جہاں پہ اس ملک کی سالمیت کا تعلق ہے, وہ اس میں کوئی پولیٹیشین ہو,
कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी शख्स हो जिसका इस मुल्क की सलामती के खिलाफ जिसने काम किया, वो तो चाहे किसी जमात फिरके या पार्टी से हो, उसके लिए तो इस मौजूदा हुकूमत के अंदर ना तो कोई ऐसी टॉलरेंस, जिसका मैंने पहले कहा कि कोई पॉलिसी है कि किसी को कोई रिलीफ मिलेगा, और ना ही हमारे इदारे आज अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी उजैर फलोज का केस है, थोड़े दिन देखें एक ऐसे इदारे के अंदर जो मैं समझता हूँ कि ये 21वीं और 23वीं अमेंडमेंट के बाद जो हमारा एक इदारा है, जो मजबूत इदारा है, ये जो मैं आज के सामने ये जो केस पेश हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखें थोड़े दिनों के बाद हर चीज दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। और अच्छा। मैं ऐसे पॉलिटिशियन में एक गुजारिश करता हूँ कि जो लोग प्लॉटों की, मैं बात नहीं करता कि किसका प्लॉट था और आपने जो जिक्र किया सेनेटर साहब की उज़ैर बलोच एग्जैक्टली, मतलब वो फाइनेंशियल टेररिज्म, साबिक आर्मी चीफ ने भी कहा था करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ तोड़ना होगा। सेनेटर साहब, ये जो उज़ैर बलोच पे जो चार्जेस हैं एस्पियोनाज के, लीक ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सर हसास मालूमात फॉरेन एजेंसीज को फराहम करना, ये हसास मालूमात उज़ैर बलोच तक कैसे पहुंचती थी सर? नहीं, जो भी मैंने कहा ना कि ये सभी आप जो आपका के ट्रायल शुरू हुआ है, जिस तरह कुलभूषण यादव ने अपने बयान दिए, इसी तरह अगर ये शख्स भी इन्वॉल्व हुआ तो ये खुद कौन को बताएगा? हमारे इदारे आज इतने प्रोफेशनल, इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो अपनी तफ्तीश के जरिए इस मुल्क के खिलाफ जिन जिन लोगों ने कार्रवाई की उनको उगलवा सकते हैं। और ये बार बार आप जो कहते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ की भी तकरीरें निकालें, कि मियां नवाज शरीफ ने भी एक बात की है कि इस मुल्क के खिलाफ कोई भी सियासी कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो लोग इस मुल्क के में दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं चाहे बैरूने मुल्क चाहे, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल रियायत नहीं बरती जाएगी। बट सेनेटर साहब, एक और सवाल मेरा आपके लिए ये है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने फौजी अदालतों का क्याम चैलेंज कर दिया अभी साइमल्टेनियसली। सर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 23rd अमेंडमेंट और फौजी अदालतों में तौसीह को चैलेंज किया है, दरख्वास्त में वफाक वजारत कानून और दिफा को भी फरीक बनाया गया। सेकेंडली वो कहते हैं फौजी अदालतों और 23वीं तरमीम से आजाद अदलिया का तस्वर जो है वो मुतासर हो रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो 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 जो, जो, जो आर्टिकल 5 और के सेक्शन 239 के तहत ये जो आईनी अमेंडमेंट हुई है, ये रात के अंधेरे में नहीं हुई, ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये अमेंडमेंट किए, ये आवाम की हमायत याफ्ता जो सियासी लोग हैं, ये उन्होंने अमेंडमेंट इस ये आईन में करके तो ये इख्तियार दिया है। यहाँ पे ये तो नहीं कि रात के अंधेरे में किसी को दे दी गई, और हमेशा पार्लियामेंट सुप्रीम है कि जो भी लॉ मेकिंग होती है वो उसका जो तयन है वो मैं समझता हूँ कि ऐवान बाला या नेशनल असेंबली से होता है। तो तमाम आइन के आर्टिकल 5 और 293 आइन में किसी भी तरमीम में किसी भी अदालत में कोई भी से भी वजूहात की बुनियाद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा, तो ये जो राइट मैं जनरल साहब अगेन इस पर आपका कमेंट सर, कि ये जो चैलेंज करने का फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, एंड सेकंडली सर मैंने एक सवाल सेनेटर साहब को भी कहा था कि उज़ैर बलोच तक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर उस तक रसाई, पहली बात तो ये कि ये कानूनी राइट है किसी का भी कि वो चैलेंज करे, और सुप्रीम कोर्ट बार जो है ये चूंकि हमारे लीगल सूझबूझ के लिहाज से एक टॉप आप कह लीजिए कि टियर के लोग हैं, लिहाजा ये इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं कि कोई ड्यू प्रोसेस से हट के चीज़ ना हो। और चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स का प्रोसेस थोड़ा मुख्तसर होता है तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि जी शायद उसमें इंडिविजुअल को पूरा तहफ़ नहीं दिया जाता या उसको पूरा इख्तियार नहीं होता कि वो अपना दिफा कर सके। तो चैलेंज आगे भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दो टियर पे एक पाबंदियाँ लगा दी, उन्होंने कहा जी कि रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर की जा सकती है हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी शख्स को ये शक हो कि उसका केस जो है वो दुश्मनी की बिना पे मिलिट्री कोर्ट में भेजा गया है तो वो भी अपील कर सकता है कि जी मेरा केस ना भेजा जाए मिलिट्री कोर्ट, वो देख लिया जाएगा। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई, फिर आज अब पीपल्स पार्टी ने मजीद उस पर दो एक रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद मिलिट्री कोर्ट्स हकीकतन मिलिट्री कोर्ट रहे नहीं हैं, ये एक खिचड़ी सी है जो कुछ सिविल कुछ मिलिट्री को इस तरह का हमने गंद डाल के तो हम फारग हो गए हैं, तो इससे बेहतर है कि ना बने।
लेकिन यह कि उससे पहले अपने कोर्स को जो इन्होंने करना था, अफसोस इस बात का है सुप्रीम कोर्ट बार पे भी और सब पे, कि ये इतने पढ़े लिखे लेकिन ये सूझबूझ नहीं है कि हमने अपने इस सिस्टम को कंपेटेबल नहीं किया जो सिविल सिस्टम है जिसने अल्टीमेटली चलना है, और उसके बारे में बात नहीं करते, ये इस पे बात करते हैं, तो बेहतर ये है कि उधर तवज्जो दें और इसको इम्प्रूव करवाएं। अब बात आ जाती है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। चीज़ ये है कि उज़ैर बलोच या कोई भी शख्स नीचे से उठे, अगर एक किसी ऑफिस का स्वीपर भी है तो वो डॉक्यूमेंट चोरी कर सकता है आपकी बेहतियाती की वजह से, कि आपने, आपको हुक्म है कि हमेशा क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स में वो आपने अंडर लॉक एंड की रखनी है, लेकिन किसी वक्त जल्दी में आप उठे, किसी ने कहा टेलीफोन है तेरा इधर, तो वो बेहतियाती किसके एंड पे हुई? नहीं, वो इंडिविजुअल के ऑफिसर्स के एंड पे हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि ये मैं बता रहा हूँ उनकी जो छोटे लेवल के लोग होते हैं। फिर एक लोग हैं जो कि आम आदमी, लेकिन उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ते 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 ऐसा हो जाता है कि उसकी रसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक भी है, उसकी रसाई प्रेसिडेंट तक भी है, वो जो चाहे वहां से वो हासिल कर सकता है, उनकी बातों से सुन के भी वहां बैठा है वो सुन रहा है, जहां पे टॉप प्रायोरिटी की या टॉप सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं उसकी रसाई है, वो सुनता है वहां पे, उसको ऐसी जगहों पे जहां किसी और को घुसने नहीं दिया जाता उसको इजाजत मिल जाती है, वो जाके वो आंखों से जाके देख के आता है। तो रसाई जब होनी शुरू हो जाए तो आदमी बड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इन लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई नहीं की होती, इन पे चेक नहीं रहता, हाईएस्ट लेवल पे इनके कनेक्शंस होते हैं और वो एक्सप्लॉयट करते हैं अपने कनेक्शंस को, चुनाचे बहुत दफ़ा उन कनेक्शंस को ये पता नहीं होता कि ये किसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो इंडिविजुअल अपना सिलसिला चला रहा होता है इसे, क्योंकि उसको सोर्स से पैसे मिल रहे होते हैं। तो मतलब ये जो रसाई है इंफॉर्मेशन तक, इसके बहुत सारे मैं समझता हूँ शक्लें हैं जो कि सामने आती हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि उज़ैर बलोच के मामले में उज़ैर बलोच अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करता रहा है, और उसकी वजह से उसको रसाई थी मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में, मुख्तलिफ जगहों पर सिंध गवर्नमेंट के, जहाँ वो उसको कोई पूछता नहीं था कि तुम क्यों आए हो या कैसे आए हो। मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जरा एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी जी, ये इससे पहले भी ना 2015 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वकला तंजीमों ने ये तकरीबन 35 दरखास्तें जमा करवाई थी। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में ये 17 रुकनी जो बेंच बना था उसमें से अक्सरियत राय से तकरीबन, मुझे याद है कि 611 की निस्बत से इस तरमीम को कायम रखने में हक में फैसला किया था, और इस केस में तकरीबन 902 सफात पर मुश्तरक तफसीली फैसले में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली किसी भी आईनी तरमीम को मुअत्तल नहीं कर सकती। राइट सर, उन्होंने चेक सिस्टम लगा दिया था आईन के आर्टिकल 5 की जेली दफा 239 के तहत, आईन में किसी भी तरमीम पर किसी भी अदालत में कोई सी भी वजूहात की बुनियाद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये उन्होंने अपने जो फैसला लिखा ये तकरीबन 900 सफ़ों पर मुश्तमिल था, उसमें पूरी डिटेल दी गई थी। राइट सर, मुझे 2015 बिल्कुल ठीक है सर साहब, आगे बढ़ाते हुए दुरानी साहब, देखिए कई मौजूदात हैं, कई चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट बार वालों ने जब फैसला दिया था तो उस वक्त जजेस ने अपने सर को भी बचाया था, सेफ्टी नहीं था, और इंटरनेशनल लड़ाई में सेफ्टी का की पोजीशन जो है ना वो बहुत ही हम कमज़ोर हो गए थे, जज मारे जा रहे थे ना, ये जो अदालतें आ गई तो इसकी एक कंडीशन ये बनी। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान अपने आप को एक सियासी मैदान में अपना दुनिया के सामने अपनी पोजीशन को वाज़े तौर पर उसको जाना पड़ेगा, अभी तक हम सियासी तौर पर भी दुनिया के सामने नहीं है, सिर्फ फौजी तौर पर दुनिया के सामने हम एक फ्रंट पोजीशन पे हैं। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत का ताल्लुक है वो बिल्कुल ही कमज़ोर है, बिल्कुल एक नागुफ्ता हालत में है, दुनिया की खारजा ताल्लुकात के साथ हमारे इतनी पोजीशन नहीं है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक अपने डेली उस मसले पर पस चुके हैं, हम दुनिया को ये नहीं बावर करा सके कि हमारी स्टेट है क्या चीज़। देखो मैं आज बैठ करके जो सोचता हूँ या देखता हूँ उसको, मैं रोज़ाना की दिहाड़ की पोजीशन में हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दिहाड़ी लेवल पर, लोकल सतह पर, नीचे सतह पर, बिजली बिल्कुल नीचे निचली सतह तक पहुँच चुका है। ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये दुनिया के तमाम तबकात के साथ है, ये डबल एजेंट, ट्रिपल एजेंट,
ये दुनिया में मौजूद है, जैसे दोनों इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैं नहीं हूँ, लेकिन इनका काम फौजियों का और पुलिस का 24 घंटे सियासतदानों पर नज़र है, जबकि उनके बिल्कुल नीचे से उनके डबल एजेंट जो उन्होंने खुद बनाया होता है वो डबल एजेंट या ट्रिपल एजेंट ही कर रहा होता है। लेकिन उन्होंने सच बात की ना, इससे ज्यादा सच्ची बात और क्या। सिंध सुनिए, सिंध हुकूमत का एक स्पेशल ब्रांच होता है जो कि क्रिमिनल या दो चार चीजों को करता है। 26 बड़े अदारे वो मुसलसल तौर पर आसिफ जरदारी को मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिंध हुकूमत को मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो नहीं है भाई, ऐसा नहीं पोजीशन है। 26 अदारों को काम है कि वो पाकिस्तान को सिक्योर रखे। सिर्फ आप जरदारी साहब करीबी साथी क्यों अगवा हुआ? इस तरह ये बात कहो, 7 तारीख को जरदारी साहब बलूचिस्तान आए रुझान जमाली में, वहाँ पर ख़िताब किया, वहाँ उन्होंने कहा मैं वैसे थे बलोच के एक आया हूँ और बलूचिस्तान के लोगों की शमूलियत और पंजाब के बहुत सारे बलोचों के साथ रवाबित, सिंध पंजाब में जब बलोचों से रवाबित हो गए तो नून लीग को अंदर से तकलीफ होनी शुरू हो गई। इन्होंने यहाँ आकर के आज सब्जेक्ट आपको फौरन याद आया, उज़ैर बलोच भी याद आया और बलोच लगारी भी अगवा हो गए वज़ीर आज़म साहब के कहने के मुताबिक, और जनाब जो मरी बलोच भी गिरफ्त अगवा हो गए मरी। ये तीनों सिर्फ उसका कसूर आसिफ जरदारी का ये था कि वो बलूचिस्तान के जलसे में आके उसने बलूचिस्तान के मुस्तकबिल पर लोगों से डिस्कस किया, मैं मौजूद था। नहीं सर, बार 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 आप गुज़श्ता एक महीने से गुज़श्ता कई महीनों से आप देखें वो बार बार हुकूमत को मुतनब्बे कर रहा है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, दर्जनों बार, हर पहले भी हुआ इसके साथ। लेकिन अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया, इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो इसलिए कि एक लिबरल, एक सोशलिस्ट और एक आजाद राय रहने का आजाद का वो एक उनका सेपरेट फिर मामला था। सेनेटर साहब बंदूक से मैं आपकी इजाजत चाहूंगी, सेनेटर साहब इनकी बात का जवाब दे दे। दुरानी साहब ने कहा वजीर आजम का 100% वो कहते हैं 100,000% लाख फीसद चले वजीर आजम का पीछे इसमें हाथ है, क्या थ्रेट है सर पीएमएलएन को? सेनेटर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरे साथ हैं? जी मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये मेरे भाई दुरानी साहब जो फरमा रहे हैं, आज जो सेनेट में हुआ, सेनेट में जो वो एक डिफरेंट चीज थी। सेनेट के अंदर जो हुआ वो चंद सवालों के जवाब नहीं आए थे, जिसमें यकीनन सर ठीक है वो चीज आप अटेंडेंस की बात अलग छोड़ दें। दुरानी साहब ने कहा कि जरदारी साहब के जो साथी अगवा हुए उसके पीछे आप लोग का हाथ है, वजीर आजम का हाथ है, लाख फीसद कहते हैं वजीर आजम का हाथ है। हम तो ये समझते हैं जी कि इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई है कि किसी को पोलिटिकली विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। ये वाहिद दौर है कि जिसके अंदर एक भी पॉलिटिकल प्रिजन जेल में नहीं है, पूरी पूरी पूरे मुल्क के अंदर कोई सियासी कैदी आपको नहीं मिलेगा। कहां तक इनके अपने जो ताने बाने हैं, अगर किसी शख्स के ताने बाने अगर कहीं और जाके मिलते हैं तो उसमें ये वाकई कोई शक नहीं कि अगर कोई शख्स हमारे, जिस पर मैंने पहले बात की कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जितनी भी लॉ फोर्स एजेंसीज हैं और मौजूदा हुकूमत है, उनका एक ही सवाल है, क्योंकि किसी भी मौजूद माशरे में या जमहूरी हुकूमतों में मिलिट्री कोर्ट्स पे कोई भी शख्स खुशी से नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर जहाँ पे जमहूरियत हो, जहाँ पे जमहूरी इदारे अपना काम कर रहे हैं वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स बने। लेकिन ये थोड़ी और स्पेशल ट्रायल इस मुल्क के लिए और आवाम की जानों माल की हिफाजत के लिए, जो ये दहशतगर्दी का जो नासूर था उससे निजात हासिल करने के लिए ये जरूरी था। ये फैसला लीडरशिप का होता है, ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है और उसके अंदर जो लोग आएंगे, हम ये हमारे लिए काबिल एहतराम है सरदारी साहब, हम ना उनकी बात करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई शख्स जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के अंदर, बताखोरी के अंदर, वो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, चाहे नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, उसका बगैर ही तासुब के उसका एहतसाब
उन्होंने क्लियरली जब इंडियन सहाफी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्लियरली बोला कि वी नॉट इन अ पोजीशन टू जज द प्रोसेस और हाउएवर दे हैव स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि जी डायलॉग होना चाहिए दोनों नेबर्स के दरमियान जो है वो मुजाकरात और पीस को उन्होंने पीसफुल सॉल्यूशन निकालने को तरजीह दी है। सर क्या पाकिस्तान को इस वक्त नो कॉम्प्रोमाइज की बातें तो की जा रही है क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से भी प्रेशर बहुत ज्यादा रिटेलिएशन और लोग इस वक्त ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई नेशनल एक्शन प्लान पर जो आप बात करते आए हैं नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद उन नुकात पर नहीं हुआ रिटेलिएशन तो बहुत बढ़ेगी मुल्क में कैसे संभालेंगे सर। मैं दूसरे एंगल से इसको देखता हूं अगर इंडिया ये सोचता है कि पाकिस्तान को बुली कर लेंगे दे विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू डू दैट वी आर नॉट नेपाल वी आर नॉट क्या नाम है ये श्रीलंका एंड वी हैव समथिंग दैट इज वेरी रेयर अमंगस्ट द कमिटी ऑफ नेशंस। अच्छा अब दूसरी बात रह गई कि जिस तरीके से कुलभूषण का ये केस है सारा कुछ बेटर सेंस शुड प्रिवेल। जिस तरीके से 1961 में जिस वक्त यूट्यूब फोटोग्राफ्स के लिए वो यूट्यूब बॉम्बर टाइप वो चीज थी वो उसको 70,000 फीट पे रशिया के ऊपर जाते हुए बड़ा बेयर से उसको उड़ाया उसको गिराया गया तो उसमें कैप्टन जो था उसका नाम था पावर्स कॉलिन पावर पावर था वो था तो ही वाज अरेस्टेड इन रशिया। अच्छा उसने बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी कि मैंने ये किया मतलब मैंने ये किया लेकिन नथिंग डूइंग जहां तक के ओरिजिनल फैक्ट्स थे। लेकिन जिस वक्त अमेरिकन्स बैठे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ही मस्ट बी हैंग्ड। एक लॉयर ने कहा कि सर कीप हिम फॉर अ रेनी डे यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन Tomorrow our men can be arrested in their country. Right. तो फिर क्या हुआ एक स्टूडेंट ईस्ट जर्मनी में स्टाजी के हाथ लग गया और एक ये था फिर दोनों को इकट्ठा करके अमेरिकन्स ने जिस जगह पे चार्ली ब्रिज के ऊपर उनको हैंडओवर करना था अपने दो आदमी मांगे एक वो स्टूडेंट था और दूसरा ये पावर्स था जो वहां से आया है रशिया से एक ईस्ट जर्मनी से एक उससे वो दो एक्सचेंज किए उस एक रशियन के खाते। तो डोंट never make hurry never be in a hurry to decide the future of your state or policies sir ye idhar sare ke sare aise baithe hue hain ki jidhar udhar matlab jis tarah chheenk aati hai you can't control it yahan pe chheenk control nahi ki jati sare ke sare aage bhag jate hain bhai think wisely ye kal ko badi decision hai ye states ka mamla hai tomorrow you will be very good friends ये चंद वक्त थोड़े अरसे के लिए होता है इस तरीके की चीजें आती right, रहती हैं। जनरल साहब लास्ट कमेंट मैंने आपको पहले बताया सदर पाकिस्तान तक जाएगा राइट बात ये है कि इस स्टेज के ऊपर चूंकि उसका लीगल प्रोसेस रहता है काफी सारा उसके राइट्स हैं और वो कानूनी तौर पे उसको इंडिया बार बार कह रहे काउंसलर एक्सेस जो है वो डिनाई किया नहीं वो नहीं दी जा सकती ना वो तो उनका देखिए उन्होंने कितना अजमल कसाब एक क्रिमिनल था हमने कहा जी कि हम आपने कहा है कि ये यहां से आया और इसने ये कुछ किया और ये किया है इस पे मुकदमा पाकिस्तान में चलाना है इसके बाकी लोगों पे हमें इसके साथ अपने हमारे वकीलों को बात करना था आपने नहीं एक्सेस दी हालांकि इन्हीं की कंप्लेंट थी और हम उसी को जस्टिफाई यहां पे करना चाह रहे थे लेकिन अब ये एक्सेस मांगते हैं उसकी जो जासूस है वो बोलते हैं पाकिस्तान का इनडिफेंसिबल वर्डिक्ट है एंड इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ बेसिक नॉर्म्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो कहते नहीं देखें जी वो तो कहेंगे हर तरह की बातें अभी उन्होंने कहना शुरू देखे मैं आपको ये अभी आप पहले कहते थे कि जी ये दूसरे मुल्क का मामला है हमारी कोई इंटरफेरेंस राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट देखें एक तरफ कहते हैं कि जी ये सर्विंग नहीं है ये रिटायर्ड आदमी है आज उस एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा है कि जी हम वियना कन्वेंशन के तहत वियना अप्रोच करेंगे वियना कन्वेंशन तो सर्विंग लोगों के लिए जो पीओडब्ल्यूज आपके होते हैं प्रिजनर आप पकड़ते हैं जंग में आप कैसे वियना अंदर से पता है कि वो सर्विंग है झूठ बोल रहे हैं तो इस तरह की बातें करेंगे देखिए एक एक मुल्क है जो डिटाई और बशर्मी पर उतरा हुआ है अगर उनमें कैसे टैकल करता बना अगर उनमें अगर इन लोगों में शर्मो हया होती और इनको कुछ गैरत आती कि हमने कितना पाकिस्तानी मरवा दिया है इस तरह तो ये कोई नरमी इख्तियार करते कोई माफी का रास्ता ढूंढते इस तरह धौंस धमकी से अगर वो समझते हैं जैसे मंदुखेल साहब ने बताया तो बेवकूफ़ हैं
कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, सवाल ही पैदा नहीं है। मैडम सिर्फ इतना कहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस शुड ऑलवेज बी टेकन एज अ केन जो कि पूरा बेंड हो जाती है, इट टचेस द टू एंड्स 360 डिग्रीज। तो लेट देम से, लेट द इंडियंस से व्हाट एवर दे फील लाइक, दे हैव टू कवर देयर डोमेस्टिक टर्फ आल्सो। राइट सर, थैंक यू सो मच, वी आर इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।